विधायक ने शासकीय मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने पीपीई किट पहनकर वार्डों का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों का समय पर इलाज नहीं होने सहित कई अव्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के परिजन लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रतलाम जिले के दो कांग्रेस विधायक सैलाना के हर्ष विजय गहलोत और आलोट के मनोज चावला ने अचानक रतलाम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। विधायकों ने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से चर्चा की। विधायकों ने मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानियों के संबंध में कॉलेज की डीन डॉक्टर शशि गांधी से भी मुलाकात की। विधायकों ने कहा कि सही समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाने से ये समस्या हुई है। पॉलिटिक्स हो गई तो फिर आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इसको कोऑपरेट करें, हम जनता को सचेत करें और एक अच्छा मैनेजमेंट हम चलाएं। और इस तरह से पॉलिटिक्स होगी, आप खामोश रहेंगे और आपको नहीं रहूंगी सर मैं तो रेडिस मिल वो बटेगा क्या? विधायक बटेगा कल भी मैंने खंडन किया है सर, और जब भी ऐसा होगा तो मैं करूंगी। इस तरह की कोई गलत जा रही है जो कोई मीडिया में कई उसमें, तो उस बातें ऐसी बातें नहीं जाना चाहिए। देखिए इस दौर में आप लोगों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। रतलाम का जो चिकित्सा महाविद्यालय, वहाँ पे मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे और लगातार जो उनके परिजन है उनको हंगामा यहाँ पे किया जा रहा था। इसी को लेकर माननीय हर्ष विजय गहलोत जी और हम सब लोग आज यहाँ इस महाविद्यालय में आए हैं ताकि हम वास्तविकता जान सकें कि यहाँ पे वाकई में क्या हो रहा है। लेकिन हमने पूरी व्यवस्था यहाँ की देखी है, वाकई में काफ़ी अव्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ जो पेशेंट के जो परिजन है उनसे स्टाफ द्वारा या गलत व्यवहार उनसे किया जाता है, उनको संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता, सबसे मेन समस्या तो ये। दूसरी समस्या है यहाँ पे स्टाफ की भयंकर कमी है। जो स्टाफ जो हैं वो आज 450 मरीज यहाँ पे हैं। अब जो हमने नर्सों से बात की, जो डॉक्टरों से हमने बात की है, वो रात दिन भाग भाग कर काम कर रहे हैं। उनको उनने भी कहा कि हमको भी थकान है। और कई डॉक्टर या जो प्राइवेट वार्ड में एडमिट है, जो इस कॉलेज के डॉक्टर है, वो भी संक्रमित होकर वो भी वहाँ पे एडमिट है। तो ये स्टाफ की कमी जो है इनको पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र करें, या निर्णय लेने में देरी हो रही है, दिक्कत ये है। जो आज हमने मेरे साथ आदरणीय मनोज जी चावला, आलोट विधायक जी, वीरेंद्र सिंह जी और हम सब लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, बहुत ज़्यादा चूँकि मरीज आ चुके हैं और मेन पावर की मुख्य रूप से यहाँ हमको कमी देखने में आई है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम ये सरकार और प्रशासन के इस मुद्दे पर साथ हैं, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इस कॉलेज में उनको दूर किया जाना चाहिए और इसकी जो रूपरेखा है वो प्रशासन को पहले से बना के रखनी चाहिए। क्योंकि सभी विशेषज्ञ मान रहे थे कि ये कोविड की दूसरी लहर है, उस लहर को मानकर प्रशासन ने इसकी व्यापक रूप से तैयारी नहीं की, जिससे ये आए दिन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ये बेड की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, अभी हम 450 तो हमारे पास हैं और 150 आ गए, मतलब 600 हो गए हैं, और आगे भी हम 750 बेड की हमारी तैयारी है। कि जिस तरह जो एचआर की कमी है मानव संसाधन की, उसके लिए भी बराबर तैयारी हो रही है। अभी हमको हर बार टुकड़े टुकड़े में, और अभी एकदम से 101 नर्सेस, 109 वार्ड बॉय और 100 अन्य वार्ड बॉय की कल रात में स्वीकृति मिली है, जिसकी हम एक दो दिन में नियुक्ति करके अपॉइंटमेंट करके उनको कर लेंगे। और आगे के लिए हमको जो चाहिए जितने, उनकी हम फिर कैलकुलेशन सब लगा के और NHM को देंगे। NHM हमको बराबर उसकी व्यवस्था कर रहा है। नहीं, बेड बढ़ा ही रहे हैं इस तरह से, और होम आइसोलेशन और CCC वाले
और जिस तरह से डिस्चार्ज होने वाले हैं वो डिस्चार्ज होके देखिए कितने आ जाएंगे कितने नहीं, ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर अभी तक के उसमें हमें लग रहा है कि बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं और उसी तरह से हम अपनी व्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं और व्यवस्था बढ़ाने की उसमें है। विधायक जी आए थे, क्या चर्चा हुई है, क्या समस्या बताए रहे थे? विधायक जी ने हॉस्पिटल में आने वाली जो छोटी मोटी समस्याएं अटेंडर के को सही जवाब नहीं मिलना, हेल्प डेस्क का और कुछ उसकी व्यवस्था के बारे में बोला है, तो उसमें जो भी कमियां उन्होंने हमें बताई है हम अपनी उसको पुनः देखेंगे और HR मिलने पर हमारी ये कमियां अवश्य पूरी हो जाएंगी और बाकी सब व्यवस्था तो बराबर चलेगी।